हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा निकाली गई अप्रेंटिस की वैकेंसी। जिसमें आपके लिए बता दें, इसमें ITI के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर आपको बता दें ये अप्रेंटिस निकली हैं तमिलनाडु और पांडिचेरी स्टेट के लिए, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए, जो कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये साउथर्न रीजन में वैकेंसी निकली है। आपको बता दें, जो अप्रेंटिस है ये आपको साउथ रीजन में ही मिलेंगी, जो आपको स्टेट बताया गया है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको बता दें तो आपको ITI किसी भी ट्रेड से ITI पास होना चाहिए। यहाँ पर जो डिफरेंट ट्रेड दी गई हैं, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। जैसे कि आपको बता रहे हैं ये रीजन्स दिए गए हैं, तेलंगाना में आया है अप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। उसके बाद तमिलनाडु रीजन में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्नाटका, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं। जैसा कि यहाँ पर बता दें, जैसे PWD के लिए भी इसमें वैकेंसी हैं। और मेन बात यहाँ पर आती है स्टाइपेंड की, तो यहाँ पर ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर 90% आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा सेमी स्किल वर्क के लिए, जिसमें 2500 आपको टूअर्ड स्टेशनरी कन्वेंशन एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपको मिला जाएगा, प्लस 90% आपको वहाँ वेजेस मिलेगा जितना एक सेमी स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको फिटर ट्रेड के लिए 2 साल की ITI चाहिए या मैट्रिक मींस 10th प्लस 2 साल ITI। और जैसा कि हम जानते हैं, इसमें सभी ये डिसिप्लिन ट्रेड कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 10th कंप्लीट होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रक्शंस जो आप देख लें, टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आएगा तो इसमें आपको डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ हम इसके साथ बात और करते हैं, ये आपकी जो अप्रेंटिस है वो यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्शन मेथड किस प्रकार होगा। तो सिलेक्शन मेथड जो होगा, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट बेसिस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिटन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो आप एग्ज़ाम में फिलअप करेंगे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और रिटन टेस्ट जो आपका रहेगा उसमें सब MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो रहेगा ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंट में आएगा जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव अकाउंट, रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश आएगा। और ट्रेड अप्रेंटिस में जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स में आएगा टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक एबिलिटीज एट्सेट्रा। ये आपको बता दें, इसकी लास्ट डेट 9 अगस्त है फॉर्म फिलअप करने की, और इसमें 676 पोस्ट टोटल निकली हैं, तो आप जल्द से जल्द इसको भर दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। लेटेस्ट टू लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।